देखो बेटा, अगर आते हैं हमारे पास वीटी ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर वो करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वीटी ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन होता है, पता है ना? वीटी ग्राफ का जो जी ग्रेडियंट हम निकालेंगे वो एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या है, वीटी ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा वेलोसिटी बढ़ रही है उतना ज़्यादा टाइम भी बढ़ रहा है। वेलोसिटी टाइम प्रोपोर्शनल है, एक साथ हैं, साथ साथ बढ़ रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन यहाँ बहुत तेज होता है, ठीक है ना? एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा होता है। जब भी एक्सेलेरेशन बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या है, फासला वो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना। तो जो वेलोसिटी जी से उसका डिस्टेंस आएगा, वो फासला थोड़ा ज्यादा ट्रेवल करेगा। तो ये थोड़ा सा समझो कि कॉन्वेक्स शेप आएगा, ठीक है? ये गोलाई ऐसी आएगी, ठीक है? अच्छा, अब क्या हमारे पास जी स्ट्रेट ग्राफ आता है। जब भी वीटी में स्ट्रेट ग्राफ आता है तो हमें पता है जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल है ना, वीटी में हॉरिजॉन्टल है, तो वेलोसिटी बढ़ नहीं रही, मतलब कम ज्यादा नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। जी जब भी वीटी ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो होगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, तो इसका मतलब क्या कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम, मतलब डिस्टेंस जितना ट्रेवल कर रहा है तो टाइम भी उतना ही बढ़ रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, बात समझ आई? जी डिस्टेंस में जब भी एक्सेलरेशन जीरो है ना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो जब भी यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, देखो ना हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट है वीटी ग्राफ में, तो डिस्टेंस बिल्कुल रैंप आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है। यूनिफॉर्म इंक्रीज का मतलब ये क्या है कि जितना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही टाइम भी कवर कर रहा है, सही है? अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, अब ये डाउन स्लोप है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ फाइनल वेलोसिटी जो है, इस पॉइंट पे देखो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ कम है, इनिशियल ज्यादा है। तो जब भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से कम हो तो डीएक्सेलरेशन होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है? तो इसमें ग्राफ कुछ ऐसा आता है, मतलब ये जो कर्व होगा ना, ये कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे देखो कॉन्वेक्स आया था, यहाँ पे कॉनकेव आएगा, मतलब वो था ना, हमने जो पैराबोला का पढ़ा था, याद है पैराबोला में ये पहले वाला जो हमने ये पढ़ा था, ये क्या, एक हमने ये पढ़ा था, याद है प्लस ए एक्स स्क्वायर में, जब प्लस ए होता है तो ऐसा आता है, ठीक है ना, और जब माइनस ए होता है तो ऐसा आता है, ठीक है? तो ये देखो ये वाला पार्ट है, वो ये वाला पार्ट है, वो जो एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होगा, ठीक है, तो ये देखो ये वाला पार्ट आ रहा है, मतलब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है एक पार्ट ये है जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और एक पार्ट ये है जब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सही है? ये हमें याद रखना है, जी, ये बात याद याद रहेगी। ठीक है जी। हाँ, और एक ये बात खास याद रहनी चाहिए, जब एक्सेलरेशन जीरो होगा, यानी जब यूनिफॉर्म सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ये बात याद रहेगी, सही है ना? क्योंकि यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है ना, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उतना ही टाइम भी बढ़ रहा है, सही है? तो आप ठीक है जरा इस थ्योरी को देखते हुए आगे आओ। अच्छा देखो, ये हमारे पास वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ को हमें डिस्टेंस में चेंज करना है, ठीक है? अब हमने पीछे से देखा जी कि जब भी हमारे पास वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है ना, यहाँ पे तक क्या है, इस पार्ट तक वेलोसिटी यूनिफॉर्म है ना, यहाँ तक जो स्ट्रेट लाइन आ रही है इस पार्ट तक, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस की स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है? हमने पीछे देखा है, डिस्टेंस की बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जी आएगी, तो एक्सेलरेशन जीरो है टी वन तक, हाँ, ठीक है? तो आप देखो यहाँ पे सिर्फ यही वाला पार्ट है जिसमें स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, सीओ में भी तो स्ट्रेट है। नहीं, यूनिफॉर्म बढ़ना चाहिए, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो मतलब के टाइम ज्यादा है और डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है ना, बात समझ आ रही है? यहाँ पे क्या है, जी टाइम ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पे क्या है, जितना ही बिल्कुल तकरीबन सेंटर सेंटर में है, तो जितना टाइम ट्रेवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सही है? और फिर उसके बाद यह नेगेटिव स्लोप, यानी देखो ये हमारे पास क्या है, वी ग्राफ में यहाँ पे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ एक्सेलरेशन जीरो होगा, और यहाँ पे तो एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव होगा। जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो हमारे क्या आता है, वो हमने देखा था, तो ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है ना, जी यानी
एन शेप जैसा वाला। हाँ ये वाला जो शेप आएगा, ये वाला जो पार्ट है वो, क्योंकि एक्सेलेरेशन कम हो रहा है रिटार्डेशन के लिए, डिस्टेंस कम ट्रेवल होगा टाइम के हिसाब से, अब डिस्टेंस कम ट्रेवल हो रहा है तो देखो डिस्टेंस कांस्टेंट होने जा रहा है, ठीक है ना। डिस्टेंस कांस्टेंट होने जा रहा है क्योंकि अब एक्सेलेरेशन की स्लोप जो है नेगेटिव हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी द बेस्ट आंसर।